बच्चों आज हम कक्षा 4 का हिंदी पुस्तक का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो लीजिए शुरू करते हैं। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुन्दर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत नाव बनाओ पाठ से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता हरि कृष्ण दास गुप्त हैं। इन पंक्तियों में एक छोटा सा बालक अपने बड़े भाई से कागज की नाव बनाने के लिए कहता है, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। बालक कहता है कि मेरे भैया जल्दी से आओ और मेरे लिए एक कागज की नाव बनाओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, भैया जल्दी आओ, देखो पानी आ गया है, बरसात का पानी आया है और घिर घिर कर बादल छा गए हैं, सात समुन्द्र भर लाया है और बादल सात समुद्रों का पानी भर कर लाए हैं, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और भैया तुम मेरे लिए रस का सागर मतलब खुशी, तुम मेरे लिए खुशियों का सागर भर कर लाओ और भैया मेरे जल्दी आओ। कहने का अभिप्राय यह है कि बालक कह रहा है कि भैया तुम मेरे लिए कागज की नाव बनाओ, इससे मुझे खुशी मिलेगी। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कह रहा है कवि कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच पानी बहुत आएगा, बरसात का पानी बहुत आएगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा और उस बरसात के पानी में क्या सारी गलियां पानी से भर जाएंगी, लाकर घर में नदी धरेगा और इतना पानी आ जाएगा कि घर में नदी समान हो जाएगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। और इस तरह के मौसम में भैया तुम भी खुश हो जाओ और जल्दी से आकर के मेरे लिए नाव बनाओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। वो बालक अपने बड़े भाई से कहता है कि गुल्लक भारी अपनी खोलो, जो तुम्हारी गुल्लक पैसे से भर गई है उसको खोल लो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, मेरी गुल्लक बहुत हल्की है अर्थात मेरी गुल्लक में बहुत कम पैसे हैं, उसे मत देखो, पैसे नए नए ही रोलो। और तुम कह रहे नए नए पैसे मेरे गुल्लक में डाल दो। फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ, फिर तुम क्या है पैसे इकट्ठे करके बाजार जाओ और मेरे लिए कागज की नाव बनाओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, तुम बाजार जा करके मेरे लिए चमकीला कागज लाओ, मेरी नाव बनाने के लिए चमकीला कागज लाओ। वो कागज चाहे लाल रंग का हो, हरे रंग का हो, नीले रंग का हो या पीले रंग का हो, किसी भी रंग का हो, रंग बिरंगा खूब रंगीला, और वो कागज रंग बिरंगा और खूब रंगीला होना चाहिए जिससे तुम मेरी नाव बनाओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ, और तुम उन कागज से कागज को कैंची से काटो, हाथ से मेरी नाव बनाओ और भैया मेरे जल्दी से आओ। बालक कह रहा है छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, मेरी नाव क्या है छप छप करती हुई और कूड़े से अड़ती हुई चल रही है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती और बूंदों से लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती है, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती और सबकी आंखों में क्या है चढ़ रही है मतलब सबको अच्छी लग रही है। नाव तैरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ, और भैया मेरी नाव को तैरा करके मुझे खुश कर दो भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। क्या बालक कहता है कि भैया क्या कहते हो आप, मेरे बस का कुछ भी नहीं है, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। बालक कहता है क्यों ऐसा आप क्यों कहते हो, तब फिर यह किसके बस का काम है, अगर तुम्हारे बस का नाव बनाना नहीं है तो किसके बस का काम है, यह खोट सभी है बस आलस का, यह तो क्या है सारा दोष बस आलस का है, आपके अंदर आलस जो है ये सारा दोष उसी का है, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और भैया आप आलस को छोड़
छोड़ करके मेरी नाव बनाओ, अर्थात यदि तुम आलस को छोड़ दोगे तो सब कुछ कर पाओगे। भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ और मेरे लिए नाव बनाओ। तो बच्चों आज की यह कविता समाप्त हुई, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ।